अभी कमेटी के लिए विस्तृत बैठक हमारी हो चुकी है। अगले 3 माह में 30 दिन की कार्य योजना बनाकर हम लोगों ने ये संकल्प प्रण लिया है कि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में वातावरण निर्मित हो चुका है, जहां यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच वाला चुनाव नहीं, लेकिन भाजपा की कुशासन और मध्य प्रदेश की जनता की अरमानों, आशाओं और अभिलाषाओं को कुचलने का कार्य जो शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार ने किया, यह प्राथमिक मुद्दा इस चुनाव में बनेगा। जो मध्य प्रदेश में आज वातावरण निर्मित हुआ है, जहां एक तरफ मात्र शक्ति सुरक्षित नहीं, किसान को फांसी का फंदा चुकने पर मजबूर ये सरकार कर रही है आत्महत्या करने पर, नौजवान बेरोजगार होकर भटक रहा है, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार का आलम चल रहा है, एक एक तरफ भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और ये मध्य प्रदेश की सरकार जनता की सेवा करने के बजाय जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। मैं तो कहता हूं कि जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, लेकिन एक क्षमावाणी की यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को निकालनी चाहिए मध्य प्रदेश। सरकारी तंत्र, सरकार के पैसे के आधार पर ये यात्रा निकाली जा रही है, भीड़ को ढोई जा रही है और अपने गुणगान गाने में शिवराज सिंह जी पूरी तरह से मस्त। आज हमारी प्रदेश की महिलाएं असुरक्षित, 4,000 बलात्कार प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में हो रहे, एक एक महिला की गुहार एक एक गांव एक एक शहर की वार्ड से निकल रही, लेकिन ये सरकार के कान में रुई डालकर ये सरकार बैठी हुई। जो इंदौर और देवास के बीच में जो घटना 3 दिन पहले हमें सूचना प्राप्त हुई, जहां उस बिचारी 16 साल की लड़की को 3 दिन में 4 बार उसके साथ बलात्कार हुआ, ये अगर हृदय को झंझोड़ती नहीं कहानी है तो कौन सी है? अब महिलाओं को तो अलग, नाबालिगों पर बलात्कार हो रहा है, ग्वालियर में 6 साल की बच्ची, मंदसौर में मैं तो कहूंगा कि निर्भय कांड की तरह ही, जो शर्म से हमारा सिर झुक जाता है, जो मंदसौर की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और गट्टे पर नमक छिड़कने का काम भाजपा का विधायक करते हैं। जब माँ बाप के साथ मुलाकात होती है तो माँ बाप माता पिता से कहते हैं कि सांसद महोदय आए उन्हें धन्यवाद अर्पित करिए। क्या ये संवेदनशीलता हमारी सरकार में रहेगी? और यही हाल कृषि के क्षेत्र में, जहां किसान कर्ज पे डूब रहा है, मोदी जी और शिवराज सिंह जी के पेट्रोल डीजल के दाम पर एक्साइज ड्यूटी और वैट के बोझ पे झुक रहा है, खाद के दाम पर झुक रहा है, 4 साल तो कुंभकर्ण की नींद ये सरकार सो रही और आखिरी साल में उठकर समर्थन मूल्य को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर नहीं, लेकिन A2 और FL फॉर्मूला पर, जिसे स्वामीनाथन जी ने नकार दिया था, और C2 फॉर्मूला पर उन्होंने मांग रखी थी कि समर्थन मूल्य होना चाहिए। ये आंखों में धूल झोंकने का काम मोदी जी और उनकी सरकार और यहाँ शिवराज जी और उनकी सरकार तथागत रूप से सालों साल करते आ रहे हैं, लेकिन आज जनता अपना हक इन दोनों भ्रष्ट और दोनों नाकाम सरकारों से ले।
और यही हाल हमारे नौजवानों का आज हो चुका है। करीब करीब 1 करोड़ बेरोजगार नौजवान मध्य प्रदेश में भटक रहे हैं। एक तरफ आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करते हो, हजारों करोड़ों रुपए का खर्च करते हो, 5 लाख करोड़ के एमओयू का की घोषणा करते हो और 50% वृद्धि हुई है बेरोजगारी में पिछले एक साल। नारा तो लगाया था इन्होंने कि हम देंगे अवसरों का सरकार, हम देंगे अवसरों की सरकार, लेकिन वास्तविकता में इन्होंने दी है पान पकौड़े और दूध की दुकान वाली सरकार। ये मोदी जी और शिवराज जी की सोच, प्रजातंत्र का गला घोटना तो इनका इनकी आदत बन चुकी है। वहां संसद को नहीं करने देते थे ना विधानसभा को नहीं करने, और अविश्वास प्रस्ताव जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने मोदी जी को स्वयं बेनकाब किया है, आज देश की जनता इनकी असलियत पूरी तरह से जान चुकी है। और मुझे विश्वास है कि इस आने वाले चुनाव में यह चुनाव शिवराज सिंह जी वर्सेस मध्य प्रदेश की जनता में लड़ी होगी। होशंगाबाद हमारा बहुत ही एक पारंपरिक सक्षमता के आधार पर एक संभाग रहा है, लेकिन आज 15 साल बाद भी एक भी शिक्षा का केंद्र होशंगाबाद डिवीजन में स्थापित नहीं। हमारा जो स्टील प्लांट डोदरिया में लगा था उसकी भूमि पूजन स्वयं पचौरी जी ने और मुख्यमंत्री ने और पासवान जी ने किया था, लेकिन आज तक उस सरकार ने एक ईंट भी लगाने का काम उस स्टील प्लांट में नहीं किया। रोजगार के अवसर खत्म, भ्रष्टाचार तो रेत खनन माफिया को ठप्पा ठप्पा लगाकर, सरकार का ठप्पा ठप्पा लगाकर यहाँ अवैध रेत खनन होता है और सारे भाजपा के नेता ऊपर से नीचे तक इस कारोबार में मिले हुए हैं। ये बात करते हैं मां नर्मदा की संरक्षण की और स्वयं पूरे मध्य प्रदेश की नदियों को खोदा जा रहा है, पूरे मध्य प्रदेश की नदियों को खंडर में तब्दील करने का काम ये सरकार कर रही है। मैंने जिंदगी में विश्व में किसी नदी में नहीं देखा है कि 1.5 किलोमीटर का सड़क नदी के अंदर बनाया गया ताकि रेत खनन उस नदी के साथ में किया जाए। इन्होंने तो कहा था कि 6000 करोड़ के पौधे इन्होंने लगवाए नर्मदा के किनारे पे, चाहे इस तट पे देख लो या उस तट पे देख लो, वही वृक्षारोपण या पौधे का कोई नामो निशान नहीं। जो स्थिति इन्होंने होशंगाबाद डिवीजन की है, जो गेहूं के भ्रष्टाचार में खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है, जहां आज तक भी किसान को दाम नहीं मिल रहा, चना का दाम श्योपुर के किसान को नहीं मिल रहा, जो वातावरण इन्होंने यहां बनाया है, चाहे आदिवासी लड़कियों के साथ जो तस्करी की जा रही है समूचे मध्य प्रदेश, ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हम लोग उजागर करेंगे और भाजपा का पर्दाफाश करके हम लोग। मैं कहूंगा कि ये मैंने भोपाल में भी कल कहा है, ये माननीय गडकरी जी का बड़प्पन है कि उन्होंने जिम्मेदारी लेकर सदन के पटल पर माफी मांगी है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन गलती जो की गई वो माननीय गडकरी साहब के द्वारा नहीं की गई, वो शिवराज सिंह जी के द्वारा की गई। जिस तरीके से प्रजातंत्र को समाप्त करने की होड़ केंद्र और प्रदेश सरकार ने लगाई, हमारे सदन के उपनेता बाला बच्चन जी के साथ जो सभास्थल में व्यवहार किया गया 1.5 साल पूर्व, वही व्यवहार गुना के सभा मंच पे गडकरी साहब के सामने किया गया शिवराज सिंह जी के कमांडो के द्वारा, कि हमारा विधायक जब बोलने के लिए उठा तो माइक उसके हाथ से कमांडो के द्वारा छीना गया। 4 कमांडो ने उसको शारीरिक रूप से उनको पकड़ के
मन से निकाल कर नीचे फेंका गया। क्या इस तरीके से हम चुने हुए मसीहियों का सम्मान कर रहे हैं? मैं तो मानता हूं कि अगर शिवराज सिंह जी में थोड़ी सी भी अगर शर्म बाकी है तो हमारे विधायक नैन सिंह सिसोदिया से वो माफी मांगेंगे। जिस तरीके से शिला पाटिका में हमारा नाम नहीं, आमंत्रण में हमारा नाम नहीं, मुझे कोई कठिनाई नहीं। इतना ही 3 दिन पहले की शिला पाटिका में हमारा नाम लिखा गया था और रातों रात उस शिला पाटिका को लेकर जमीन पर फेंक कर तोड़ा गया था, जिसके चित्र भी आप लोगों ने अपने पेपर में डाले। यही इनकी मान्यता और सम्मान है प्रजातंत्र के प्रति। लेकिन आज मैं मांग करूंगा कि शिवराज सिंह जी में अगर कोई भी एक शर्म बाकी है तो विधायक महोदय से वो माफी मांगी। देखिए, मैंने स्पष्ट किया है, ये भोपाल में भी, दिल्ली में भी, हमारे दिल के द्वार खुले हैं, हमारे घर के द्वार खुले हैं। लेकिन हमारी विचारधारा है कि हमको आज साथ में मिलकर भारत में प्रजातंत्र, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में अगर संविधान बचाना है तो हम सबको साथ में मिलकर इन विघटनकारी तत्वों को जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। और अगर ये हमारी विचारधारा है, ये हमारी सोच और हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प है, तो फिर अगर ये हमारी मूल्य और सिद्धांत और लक्ष्य है तो फिर सीट की बात में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसका मुझे पूरा इस पे भी मैंने अपनी प्रतिक्रिया भोपाल में दी कि पहले तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी बड़े कंफ्यूज थे। वे पहले ये तय कर ले कि राजा महाराजा हैं या नहीं है। कवि कहते हैं कि नहीं है, कवि कहते हैं है। ये चट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चले। मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मैं 21वीं सदी का भारत का नागरिक हूं और अपनी मेहनत, अपनी मशक्कत के आधार पर मैं, मेरी एक ही अभिलाषा है कि जनता के दिल में मैं स्थान पा पाऊं। शिवराज सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया, मैं तो उनसे यही अनुरोध करूंगा कि जो शब्द पिछले 15 साल में नहीं, लेकिन पिछले 8-9 साल में उनके शब्द कोश में नई एक स्थान पा चुके हैं। राजा महाराजा, ये कहां से शब्द आए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसके पहले तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते। काश यही शब्द वे तब इस्तेमाल करते जब मेरी दादी के नेतृत्व में भाजपा और शिवराज सिंह जी कार्य करते, तब राजमाता के विरोध भी वही शब्द इस्तेमाल कर लिया। और अभी भी समय नहीं निकला है, क्योंकि अगर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है, एक बुआ मेरी राजस्थान में महारानी वसुंधरा राजे और एक मेरी बुआ मध्य प्रदेश में उनकी कैबिनेट में श्रीमंत यशोधरा राजे। आखिरी बात जो उन्होंने कहा कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं सीधे सीधे, शिवराज सिंह जी आप पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, आप दलित समाज के नहीं हैं, आप आदिवासी समाज के नहीं हैं, आप स्वर्ण समाज के नहीं हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री कोई जाति का नहीं होता, मुख्यमंत्री कोई धर्म का नहीं होता, मुख्यमंत्री कोई समाज का नहीं होता। मुख्यमंत्री अखंडता और एकता अगर बनाए रखना है तो अपना राज धर्म निभाओ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा। आज निष्कर्ष नहीं निकला,
आज हम लोग ने साफ मिलकर तय किया है कि अगले 1.5 महीने की कार्य योजना क्या होगी, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, कब तक वो डेडलाइन के तहत उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो करेंगे और पूर्ण सूची पचौरी जी और मुझे और पीसीसी में पहुंचाएंगे, जिसके आधार पर अगले चरण की रणनीति हम लोग तय करेंगे। सर आपने कहा कि देखिए विधानसभा में एक ही चेहरा है, विधानसभा में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का चेहरा है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए नहीं लड़ रही, ये चुनाव कांग्रेस के लिए कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश की अस्मिता, मध्य प्रदेश